तो जी अभी सारा दूध निकाल लिया, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। और अभी सुबह उठकर सबसे पहले हम गोबर को अपने हाथों से उठाते हैं। और ये गोबर हम इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि ये हमारी फसलों में खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जी अभी हम भैंस को पानी पिलाएंगे। भैंस जो है ना वो एक ही दफा में 50-60 लीटर पानी इकट्ठा पी लेती है। तो जी अभी दोबारा भैंस पी रही है, ये एक ही दफा में बहुत सारा पानी पी लेती है। दिन में 2 दफा पानी पिलाया जाता है, सुबह को और शाम को। तो जी अभी फिर भैंस ने सांस लेकर दोबारा पानी पीना शुरू कर दिया है, 1-2 दफा में सांस भी लेती है फिर दोबारा पीना शुरू कर देती है। तो जी ये देखें भैंस के इतने बड़े बड़े सींग हैं और ये कान भी इसके काफी बड़े। ये काफी बड़ी भैंस है, ज्यादा उम्र की है तो पानी भी ज्यादा पीती है और फिर माशाल्लाह से दूध भी ज्यादा देती है। जिस तरह खाती है फिर उसी तरह फिर दूध भी देती है। तो जी अभी इसको टैंकी का पानी पिला रहे हैं क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ गया है, सर्दियों में तो ठंड होती है तो फिर ताज़ा पानी इनको पिलाते हैं पंप चलाकर, लेकिन अभी गर्मी है इसीलिए ये ठंडा पानी पीते हैं। चल तो जी अभी दूध निकालने से पहले हम भैंस को चारा डालेंगे। तो जी ये सबज चारा और तूड़ी हम रखते हैं, फिर इसको मिक्स करके भैंस को डालते हैं। और अभी बारिश का मौसम है तो भैंस का भी सबज चारा खाने का बहुत ही दिल करता है। तो जी अभी भैंस के बच्चे को भी पानी पिलाते हैं। जब ये पानी पी लेगा फिर उसके बाद इसको भी चारा डालेंगे, लेकिन अभी ये छोटा है, अपनी माँ का दूध भी पीता है और सबज चारा भी थोड़ा सा खा लेता है। तो अभी इसने बस कर दिया है, पानी पी लिया उसने। तो अभी ये चारा खा ले
उसके बाद फिर हम इसको छोड़ेंगे, ये अपनी माँ का थोड़ा सा दूध पी लेगा, उसके बाद फिर हमें दूध निकालना जो है ना वो आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अभी हम बाल्टी को धो लेते हैं, फिर इसी बाल्टी में हम दूध निकालेंगे। तो जी अभी हाथ भी धो लेते हैं क्योंकि अभी हमने दूध निकालना है, और बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले लेते हैं थन धोने के लिए। तो जी ये वंगा है, इससे हम भैंस के पांव बांधेंगे। तो जी दोनों चीजें हमने इकट्ठी कर ली हैं, अभी हम इसके बछड़े को छोड़ते हैं। है तो ये देसी भैंस, पांव नहीं मारती लेकिन फिर भी इसको बांध लेते हैं, कभी पांव उठा भी सकती है। अभी इसने दूध नहीं उतारा, अभी दूध उतारती है थोड़ी देर में। दूध उतारेगी तो थोड़ा सा इसका बच्चा भी पी लेगा और बाकी हम दूध निकाल लेंगे। तो जी अभी इसके बच्चे को बांध दिया, अब बाकी दूध जो है हम निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you.
जी अभी सारा दूध निकाल लिया है। ये देखें जी, बड़ी बाल्टी जो है वो इधर रख दी है। अभी ये छोटे बर्तन में निकाल रहे हैं, क्योंकि भैंस जो है ना वो पाँव भी उठा सकती है और सारा दूध जो है ना वो गिर ना जाए, इसीलिए उधर रखा है। ये छोटा बर्तन ले लिया है। तो जी अभी सारा दूध निकाल लिया है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। और अभी थोड़ा सा दूध रह गया, मैंने सोचा कि मैं दारे ले लेती हूँ। और अभी भैंस जो है ना वो भी कह रही जल्दी जल्दी से मुझे छोड़े, काफी देर हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी दूध को अंदर लेके चलते हैं। तो जी मेरे और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।